साबिक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना व सदर बीआरएस के चंद्रशेखर राव अपने फार्म हाउस के बाथरूम में गिर पड़े, जिसके नतीजे में उनके कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर आने की इत्तला है। फिलहाल उन्हें हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। नौमुंतखब काबीना वजीर डी श्रीधर बाबू ने 9 दिसंबर से तमाम आरटीसी बसों में खवातीन के लिए मुफ्त सफर और राजू आरोग्य श्री हेल्थ स्कीम के निफाज का ऐलान किया है। वादा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर में 6 वायदों के तहत फिलफौर 2 जमानतों को पूरा करने का ऐलान किया है। इसके अलावा वज़ीरे आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने महकमे बरकी के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद करने का फैसला किया है, ताकि किसानों को बिला रुकावट बरकी की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। जब कोई इख्तदार या फिर किसी अहदे पर फायज होता है तो लोग खंदा पेशानी से पेश आते हैं और आदाब बजा लाते हैं, लेकिन जब कोई हुक्मरान या फिर अहदेदार अपने अहदे से दस्तबरदार हो जाता है या बेदखल किया जाता है तो उन्हें अवाम की जानिब से एक अलग रवैये का सामना रहता है। बिल्कुल इसी तरह से इस वीडियो में नजर आने वाले मंजर को देखने के बाद अवाम के दिलों की भड़ास खुलकर सामने आई है। बताया जाता है कि बास कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कारकुनान साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का पोर्ट्रेट थामे जमीन पर पटक कर अपने गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं।